सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। सोहना के गांव खेड़ला में रास्ते को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। इस झगड़े में दोनों ही गुटों के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रास्ते को लेकर दोनों ही गुटों में 2 दिन पहले से झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर दोनों तरफ से लाठी डंडे चल गए। वहीं ये सारा मामला कैमरे में कैद हो गया, जिसमें रास्ते को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। गांव खेड़ला में करीब 2 दिन से रास्ते को लेकर दो गुटों में झगड़ा चल रहा था। दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं। इस झगड़े के चलते आज सुबह दोनों गुटों के लोग लाठी डंडे और जेनी लेकर आ गए। कुछ देर के बाद विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की महिला को धक्का मार दिया, जिसमें मामला गंभीर और हो गया और दोनों पक्ष के लोगों में मारपीट शुरू हो गई। इस मामले में करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने बताया कि आज सुबह जब वो काम कर रहे थे, इस दौरान दूसरी तरफ से कुछ लोग लाठी डंडे लेकर आ गए और उन पर हमला बोल दिया, जिसमें करीब 3 लोगों को चोटें आई है। उन्होंने बताया कि काफी समय से परिवार के ही लोगों से उनका जमीनी विवाद चल रहा है। विवाद को वो अदालत में भी जीत चुके हैं। मामला जी गांव के फिर नहीं सारे साथ इस पर 12-7 से केस चला है। 6 दफा हम जीत चुके हैं। 2 दफा ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तोड़ फोड़ करके दोबारा पढ़ा। कल पुलिस वाले लाए थे, हमने पुलिस वाले पैमाइश के पुलिस वाले बोले ठीक है तुम भी खोल रहे हो, तो हमने सिर्फ नेम खोल दी शुरू करी है। हमारे पास कोई हथियार नहीं था, जिनने सारे 20-25 आदमी लाठी लेकर के सारे डेढ़ लाठी फावड़ी लेकर, हम सिर्फ टोटल 3 आदमी, 3 भाई हैं। करीब कितने लोगों को चोट लगी आपको? हमारा 3 चोट, 3 आदमी चोट। तो ये करीब तुम्हारा जमीनी विवाद है? हाँ, ये तकरीबन 25 आदमी। वही दूसरे पक्ष ने बताया कि साथ में रहने वाले लोगों ने गांव के रास्ते में मकान बनाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर जब विरोध किया गया तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। इस झगड़े में उन्हें भी काफी चोटें आई। वही बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 दिन पहले सोहना पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों गुटों में आज खूनी झड़प हो गई। झगड़ा पुलिस गई है, जगह बना रहा हमारा भाई और मेरे प्लॉट के सामने ही जो है ये रास्ता बंद कर रहे हैं। गांव का रास्ता है जी, 16.5 फुट का रास्ता है गांव का जी, और उसको कैसे बंद हो मैं कर, मेरे फिर मेरा भी बंद हो जाएगा। तो रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ? रास्ते का ही झगड़ा है ये, और वो पूरे गांव का रास्ता है, 16.5 फुट का रास्ता। तो पुलिस को भी शिकायत करी इसमें? पहले कल इन्होंने करी पुलिस को। अच्छा, ये लोग खुद गए हैं, ऐसा ही गया वहाँ, और ये मकान जो बना रहा है अपनी हद में बना रहा है, अपने खेत में बना रहा है, उसको इन्होंने कल आज नीम वापस दबा दी। तो ये जो झगड़ा हुआ एक ही परिवार है आपका? हाँ, है तो एक ही परिवार है। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि सोहना अस्पताल में करीब 6 लोग घायल अवस्था में दाखिल हुए, जिनको प्रथम उपचार देकर गुड़गांव अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ये 6 MLC हैं लगभग, और इनकी चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, हाथ पैरों में चोट लगी हुई है, इनको अभी इलाज के लिए रेफर कर। करीब कितने को रेफर किया गया सर यहाँ से? लगभग सभी 6 को रेफर किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? सत्य खबर के लिए सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।